वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। आंगनवाड़ी महिलाएं घर से बाहर बच्चों को पालने के लिए ही मजबूरी में निकलती हैं, लेकिन पिछले कई माह से उन्हें मानदेय ही नहीं मिला। महंगाई चरम पर है, लेकिन आंगनवाड़ी महिलाएं अपना चूल्हा जला पाने में भी विवश हैं। आज यूपी के मेरठ जिले में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए योगी सरकार के खिलाफ खाली बर्तन बजाए। साथ ही घोषणा कर दी कि यदि उनके मानदेय समेत बाकी समस्याएं दूर न की गई तो विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक भी महिला वोट नहीं करेगी। इस मौके पर यूपी आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ की प्रदेश संयुक्त मंत्री संतोष परमार ने मीडिया से यह वार्ता की। इसलिए जरूरत पड़ी, हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, करीब 2-3 महीने हुए मानदेय नहीं आया, हमारी बहनें सब भूखी बैठी, आगे रक्षाबंधन आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर जो है वो महंगा हो रहा है, बाजार में सब्जियां महंगी हो रही हैं, हमारे बच्चे नमक से भी रोटी खाने को लाचार है, हमारे घरों में भूखे प्यासे बैठे हैं, एक दूसरे से उधार कर्जा लेके हमारी बहनें खिला रही हैं, लेकिन जब पैसा मानदेय नहीं मिलेगा तो कहाँ से उधार कर्जा करेंगे, उधार वाले उनके घर आ करके गालियाँ दे रहे हैं, मार पिटाई भी होने को शुरू हो रही है कि तुम हमारा दे नहीं रही हो पैसा। इसलिए हमारी बहनों ने निर्णय लिया कि आज हम लोग कलेक्ट्रेट में चल को माननीय मुख्यमंत्री जी को 30 सूत्री मांगे हम लोगों का, अगर ये नहीं मानते, हम लोग की बहनों की उधर ध्यान नहीं देती है सरकार, तो सरकार तो उतारनी है निश्चित। हमारी आंगनवाड़ी सहायिका बहने शिक्षा मित्र सब एकजुट है, कोई भी एक वोट योगी जी को नहीं देंगे हम लोग। कितने टाइम से आप बैठे हैं मांग को लेकर अपने? जी 2016 से हम लोग ये मांग को रखे थे। योगी आदित्यनाथ ने हमारे क्या कहते हैं 1500 रुपया बढ़ोतरी करी, उसको प्रोत्साहन राशि बना दिया, उसके बाद खाते में आज तक नहीं आया। ये झूठी सरकार, वादा खिलाफी करने वाली सरकार। आगे हमारी रणनीति है कि ये आपके यहाँ आज का ज्ञापन देने के बाद फिर हम लोग जो है 1 सितंबर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर लखनऊ राजधानी में अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।